वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय गुरुदत्त, जय गिन्नारी। कुंभ राशि वालों, क्या कभी आपने सोचा है जो लोग इतने सफल हुए हैं उनके पीछे का कारण क्या है? क्यों कई लोग बिजनेस में असफल हो जाते हैं? क्यों कभी मनुष्य अपना जीवन गलत बिजनेस लाइन में ही व्यतीत कर देता है और जीवन भर वह बार बार असफलता घाटे का सामना करता रहता है? इसका मुख्य कारण सही व्यवसाय का चयन न करना, अपनी जन्मतिथि अनुसार बिजनेस सिलेक्शन न करना। दोस्तों, जिस प्रकार वर्षा ऋतु में बोया गया मक्का बाजार जितनी पैदावार देता है उतना जाड़े या गर्मियों की ऋतु में बोने पर भी नहीं देता। खाद पानी और परिश्रम एक जैसा लगने पर भी मौसम क्षेत्र और समय का अंतर जिस प्रकार फसल पर रहता है उसी प्रकार वह अंतर व्यापार और बिजनेस के संबंध में भी रहता है। तो आज हम जानेंगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशि के व्यक्ति कौन सा व्यवसाय करें जो बिजनेस में उनको सफल बना दे। इसलिए वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक सफल सूचना आपके जीवन को सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है, जीवन को आबाद कर सकती है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड की काल चक्र की 12वीं राशि आपकी कुंभ राशि है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशि का निर्माण धनिष्ठा के अंतिम दो चरण, सतभिषा के चार चरण और पूर्वा भाद्रपद के प्रथम तीन चरण मिलकर हुआ है। अब नक्षत्र स्वामी क्रमशः मंगल, राहु और बृहस्पति है और आपके राशि के स्वामी शनिदेव है, और यदि इनसे संबंधित व्यापार करते हैं व्यवसाय करते थे तो असफल होने का चांस ही नहीं रहता। तो आइए मैं आपको बारी बारी से कुछ ऐसे व्यापारिक क्षेत्र के बारे में बता रहा हूँ जिनमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट बिजनेस, तकनीकी व्यापार यानी सॉफ्टवेयर या वेब डिजाइनिंग। कुंभ राशि वालों, आपके लिए तकनीकी व्यापार एक बहुत ही अच्छा विकल्प होता है, क्योंकि किसी भी कार्यों को करने से पूर्व उस पर खूब गहराई से आप सोच विचार करते हैं। आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। यही स्थिति आपको इस तकनीकी व्यापार में बहुत लाभ देती है। यहाँ आप अपनी तकनीकी योग्यता का उपयोग करके सॉफ्टवेयर विकसित कर सकते हैं या वेबसाइट डिजाइनिंग करके खुद का व्यापार शुरू कर सकते हैं। आपकी योग्यता और अवसरों के साथ आपको इस क्षेत्र में बहुत सफलता मिल सकती है। अगर आप कंप्यूटर मोबाइल क्षेत्र से संबंधित कोई भी कार्य जैसे कि इसमें उपयोग होने वाले उपकरणों का व्यापार करते हैं, बनाना बेचना या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों में भी आप सफल रह सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड बिजनेस के बारे में, वह है व्यापारिक परामर्श और सेवाएं। कुंभ राशि वालों, आप जन्मजात से ही लीडर होते हैं, क्योंकि हमेशा से ही सच्चाई जानने के आप इच्छुक होते हैं, परोपकारी होते हैं, रचनाकार होते हैं, खुले विचारों वाले होते हैं और आप में ईमानदारी भी भरी भरी होती है। इसलिए यदि आप व्यापारिक परामर्श और सेवाएं करने की इच्छा रखते हैं तो आप एक क्षेत्र में बहुत माहिर खिलाड़ी बन सकते हैं, सबसे आगे रह सकते हैं, क्योंकि आप अपने विशेष ज्ञान और व्यापारिक अनुभव का उपयोग करके अन्य लोगों को व्यापारिक परामर्श दे सकते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं। राजनीति में उच्च पदों को प्राप्त कर सकते हैं। आप नगर पालिका, महानगर पालिका, राज्य सरकार, केंद्र सरकार में भी बड़े पदों पर आसीन हो सकते हैं। आप सरकार से संबंधित कई बड़े बड़े पदों पर स्थान प्राप्त कर सकते हैं। शनि न्याय के देवता होने के कारण आप न्यायालय से संबंधित विभागों से जुड़ सकते हैं। आप देश की सेवा कर सकते हैं, पुलिस सेवा या हमारे गुप्तचर विभाग में भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके नक्षत्र के स्वामी मंगल भी है जो आपको वहां पर भी बड़े पदों तक ले जा सकते हैं। अगर सकारात्मक राजनीति करते करते आगे बढ़ते हैं तो आप मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक देश के लीडर भी बन सकते हैं, क्योंकि व्यापारिक परामर्श के लिए या लीडर बनने के लिए आप में उच्च स्तर का ज्ञान होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड बिजनेस के बारे में, वह है वित्तीय सलाहकार और निर्माण विक्रेता। कुंभ राशि वालों, आपके लिए वित्तीय सलाहकार और कुछ चीज़ों का निर्माण एक महत्वपूर्ण करियर विकल्प हो सकता है।
यदि आपकी रुचि वित्त लेन देन और निवेश में है और आपका दिमाग अंकों और पैसों के मामलों में तेज है तो आपके लिए वित्तीय सलाहकार बनने के लिए उत्तम विकल्प हो सकते हैं। आप व्यक्तिगत और व्यापारिक ग्राहकों को वित्तीय सलाह और योजनाओं की पेशकश करके उनकी मदद कर सकते हैं। शनि का संबंध जमीन से भी है। अगर आप भवन निर्माण की सामग्री का कार्य करते हैं या फिर खेती व फल व्यवसाय से जुड़ते हैं, अनाज का व्यापार करते हैं तो आप बड़े लाभ में रहते हैं। जमीन, पेट्रोलियम, प्लास्टिक और संचार की चीज़ों का भी व्यवसाय करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। आप लाभ प्राप्त करते हैं, संघर्ष आपको नहीं करना पड़ता। अब बात करते हैं चौथे व्यवसाय के बारे में, वह है स्वतंत्र व्यापार और ग्लैमर की दुनिया। कुंभ राशि के लोगों के लिए स्वतंत्र व्यापारी बनना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि आप देश काल और परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदल सकते हैं और वह गुण आप में मौजूद है। इसी कारण आप व्यापार में विजयी होते हैं। यदि आपको व्यापार की इच्छा है और आप खुद को आज़ादी और निर्णय की बदलती दुनिया में देखना चाहते हैं तो आपके लिए स्वतंत्र व्यापार एक प्रेरणादायक विकल्प हो सकता है, जिसमें आप लोहा, मोटर पार्ट्स, प्लास्टिक, चमड़ा, वस्त्र का व्यापार करके जीवन निर्वाह कर सकते हैं और धनवान बन सकते हैं। क्योंकि स्वतंत्र व्यापारी बनने के लिए आप में अवसर को देखने की क्षमता है। आप तमोगुण एवं वायु तत्व प्रधान राशि के लोग होने के कारण आप अभिनय के दम पर भी छा सकते हैं। आप सफल अभिनेता ग्लैमर की दुनिया में छोटे बड़े काम करके अपना नाम बना सकते हैं। हम बात करते हैं पांचवें क्षेत्र के बारे में, वह है विज्ञान, संचार और प्रवासन। कुंभ राशि में जन्मे लोगों के लिए विज्ञान और प्रवास का संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप में नए आविष्कार करने की शक्ति होती है। आप देश के लिए कई चीज़ों का निर्माण कर सेवा कर सकते हैं। नक्षत्र स्वामी राहु होने के कारण आप टूरिज्म क्षेत्र से भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। आप होटल व्यवसाय, रेस्टोरेंट आदि में भी सफल रहते हैं। अगर आप दूसरे राज्य, दूसरे शहर या फिर विदेश में भी बसने का सपना रखते हैं तो यह आपको रखना चाहिए, क्योंकि आप वहां से अपनी जिंदगी को बहुत आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्मभूमि से दूर आप करियर में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कुंभ राशि के लोगों के लिए कौन से व्यापार कार्य संभव है और व्यापार में कैसे सफलता मिल सकती है। अगर आप पर्सनली जानना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली के बारे में तो अवश्य ही अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदत्त। जय की नारी।